हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। हम लोग बात कर रहे थे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का प्रिंसिपल है, जिसे हम चार्टर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं, जो कंपनी के पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव को मेंशन करते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइज एक कंपनी के अंदर क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है और क्या पावर्स है, जिसे हम आउटडोर मैनेजमेंट भी बोलते हैं। जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल नेम क्लाउज, ऑब्जेक्टिव क्लाउज, सिचुएशन क्लाउज, लायबिलिटी क्लाउज, ये सारे पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस किया था। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम लोगों ने देखा था वो इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड है या इंटरनल मैनेजमेंट, जो एक कंपनी के अंदर जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो डील करता है। ओके, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। ओके, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट नंबर 3, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट विच इनवाइट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ओके, प्रोस्पेक्टस क्या है? एक डॉक्यूमेंट्स है, ओके, जो इनवाइट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, जो जनरल पब्लिक को इस कंपनी के बारे में अवेयर करवाता है, जो जनरल पब्लिक को ये बताता है कि ये कंपनी है और उसके ये शेयर और डिवेंचर है। ओके, डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक टू परचेज शेयर और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। तो इसको पढ़ करके हम लोगों ने जाना कि ये एक इनविटेशन है या ये एक अपील है, जनरल पब्लिक से अपील कर रहा है या इनवाइट कर रहा है उनको, आइए और आकर के हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स को परचेस कीजिए। अगर मैं बात करूं प्रोस्पेक्टस की, तो प्रोस्पेक्टस एक सर्कुलर हो सकता है, एक एडवर्टीजमेंट हो सकता है या एक नोटिस हो सकता है, जो हम जनरल पब्लिक को सर्कुलेट करते हैं, उनसे अपील करते हैं, ओके, उनको इनवाइट्स करते हैं टू परचेज शेयर और डिवेंचर ऑफ अ कंपनी। ओके, अब ये कुछ पॉइंट्स कंटेन करता है, वी विल सी वन बाय वन। फर्स्ट वन वी हैव इज कंपनीज नेम and the address of its registered office, कंपनी का नाम और एड्रेस, ठीक है, ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज द मेन ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी हम प्रोस्पेक्टस में मेंशन करेंगे। अगर हम पब्लिक से अपील कर रहे हैं, पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं और उनके और उनको हम अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी बताना अनिवार्य हो जाएगा कि हमारे कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। अगर एक हमारा कंपनी है तो एक पर्पस होगा, तभी तो हम लोगों ने कंपनी को स्टार्ट किया होगा, तो उस पर्पस या उस ऑब्जेक्ट के बारे में या उस ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट द नंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर, कितने नंबर हैं और क्या क्लासेस हैं शेयर्स के। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ द डायरेक्टर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, नाम है डायरेक्टर्स का और द नेम एंड द एड्रेस ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजर, जो डायरेक्टर होंगे उनका नाम और एड्रेस, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे उनका नाम और एड्रेस, और जो मैनेजर होंगे उनका नाम और एड्रेस भी हमें मेंशन करना होगा। अगर हम जनरल पब्लिक से किसी भी चीज़ को डील करते हैं और हमारी कंपनी जो वो पब्लिक कंपनी है, तो हमें अपने मेंबर्स या अपने डायरेक्टर्स के बारे में पब्लिक को बताना अनिवार्य है। कितने डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन है या मैनेजर कौन है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम प्रोस्पेक्टस में मेंशन करते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को मेंशन नहीं करेंगे तो पब्लिक अवेयर कैसे होगा कि ये कंपनी में कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, इनमें मैनेजर कौन है, इस कंपनी को कौन रूल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम मेंशन करते हैं अपने प्रोस्पेक्टस में। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6,
द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच इज 90%, ओके, विच इज 90% ऑफ द साइज ऑफ इशू, जितना हमने इशू किया है या जितना कंपनी ने इशू किया है शेयर या डिवेंचर, उसका जो 90% होगा वो होना चाहिए, ओके, जितना इशू करा गया है उसका 90% रिसीव होना चाहिए। अगर उससे कम रिसीव होगा एप्लीकेशन अमाउंट, तो उसको रिटर्न कर देगा कंपनी विद इन 30 डेज। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करना होगा हमें प्रोस्पेक्टस में, एटलीस्ट या मिनिमम हमें 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा। द टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, क्या समय होगा, क्या टाइम होगा ओपनिंग का और क्लोजिंग का ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। द अमाउंट पेबल ऑन द एप्लीकेशन, हम जो अमाउंट पे करेंगे या हमारा जो शेयर या डिवेंचर जो पब्लिक परचेस करेगा उसको जो अमाउंट हम पे करेंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ओके, एप्लीकेशन के समय पर हम जो अमाउंट पे करेंगे, एंड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो एक अमाउंट जो हम एप्लीकेशन और सेकंड अमाउंट जो हम अलॉटमेंट के टाइम पे करेंगे ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर, तो अमाउंट भी मेंशन करना होगा। अगर हम एप्लीकेशन मनी दे पे कर रहे हैं, देन आफ्टर अगर हमें शेयर मिल जाता है तो उस एप्लीकेंट को फिर अलॉटमेंट में हम देन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के थ्रू हम उसे कॉल करते हैं। तो यहाँ मेंशन करना होगा द अमाउंट पेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडर राइटर्स टू द इशू एंड बैंकर्स टू द इशू। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में पॉइंट नंबर 4 जो हमारा है वो है स्टेटमेंट ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल मे समटाइम्स डिसाइड नॉट टू रेज फंड फ्रॉम पब्लिक। कभी कभी पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिकली फंड को रेज नहीं करता है या लोगों को इनवाइट नहीं करता है, वो चाहता है कि हम प्राइवेटली चीज़ों को कर पाए। तो अगर हम पब्लिकली चाहते हैं कि लोग हमारे शेयर और डिवेंचर्स को परचेस करें तो हम प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। देन अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल मे सम टाइम डिसाइड नॉट टू रेज फंड फ्रॉम पब्लिक, ओके, बिकॉज इट मे बी कॉन्फिडेंट ऑफ ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड कैपिटल प्राइवेटली, ओके, ये पब्लिकली नहीं चाह रहा है, ये चाह रहा है कि हमें प्राइवेटली वो सारा फंड मिल जाए और ये फंड को ऑब्टेन कर ले। इन सच केस इट विल हैव टू टाइटल अ स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ओके, ये हमें बताना पड़ेगा किसको, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन मच सिमिलर टू डैट ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोस्पेक्टस में मेंशन करते हैं या मिलता जुलता सिमिलर रहेगा, यहाँ पे लिखा है सिमिलर टू दैट ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, जो चीज़ें हम प्रोस्पेक्टस में मेंशन करते हैं मच सिमिलर होता है जब हम स्टेटमेंट लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। लेकिन डिफरेंस यही है कि इसको हम पब्लिकली नहीं प्राइवेटली हम इसे इशू करते हैं। तो ये था प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लियू। तो प्रोस्पेक्टस हम किसके लिए इशू करते हैं, जनरल पब्लिक के लिए इशू करते हैं। जब हमने शेयर्स और डिवेंचर्स को या फंड को रेज करना होता है तो हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं जनरल पब्लिक्स के लिए। लेकिन अगर हम किसी फंड को रेज करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ लियू इशू करते हैं तो वो हम प्राइवेटली करते हैं, कुछ ही लोगों के लिए करते हैं और सेलेक्टिव लोगों के लिए ही करते हैं, हम उसमें जनरल पब्लिक को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर हम जनरल पब्लिक को इसमें इंक्लूड कर देंगे तो ये फिर एक जनरल प्रोस्पेक्टस हो जाएगा जिसको हम स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रोस्पेक्टस नहीं बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में डिस्कस किया है ना, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ओके, एंड कंपनी, ये सारा हम लोगों ने और
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो ये सारा कुछ जो है एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पे या एक ग्रुप ऑफ पीपल पे कि वो कौन से बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं या वो कौन से बिजनेस को रन करवाना चाहते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो डिटरमाइन करता है कि हमने कौन से बिजनेस को सेट करना चाहिए। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ईच हैविंग इट्स ओन फीचर्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अगर हमने इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात किया है या इन सारे बिजनेस के बारे में बात किया है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या कंपनी है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का अपना मेरिट्स है, अपना फीचर्स है और अपना डीमेरिट्स है। अगर हम किसी एक की डीमेरिट्स की बात करते हैं तो हमें कंपनी, पार्टनरशिप और HUF का भी डीमेरिट्स देखना है। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रीफर कर रहे हैं तो उसके भी कुछ डीमेरिट्स है। तो इन सारी चीज़ों के हम लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं। ओके, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से डैट विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा और कौन सा ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि हम लोगों ने हर एक ऑर्गेनाइजेशन या हर एक बिजनेस के मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस कर लिया है। जहाँ पर हमने मेरिट्स को डिस्कस किया, एट द सेम टाइम उसके कुछ डीमेरिट्स भी आ रहे थे, तो थोड़ा सा मुश्किल है कहना कि कौन सा बेस्ट रहेगा। ईच फॉर्म इज सुटेबल फॉर अ डिफरेंट बिजनेस वेंचर। ओके, ये डिपेंड करता है कि कैसे हम या किस बिजनेस को हम ज़्यादा सुटेबल मानते हैं अपने लिए, या मेरे पास कितना कैपिटल है, उस कैपिटल को इन्वेस्ट करके हम कितना ज़्यादा और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, या कितना हम अपनी एबिलिटी के अनुसार उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर आर इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग डिसीजन और अबाउट फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ पॉइंट्स है या कुछ फैक्टर्स है जो ये हेल्प करेगा कि आप डिसीजन ले सकते हो कि आपके अनुसार कौन सा बिजनेस ज़्यादा सुटेबल होगा या किस बिजनेस को आप इफेक्टिवली कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। क्या कॉस्ट होगा या क्या ईज है हमको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप इज लीस्ट एक्सपेंसिव। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो लीस्ट एक्सपेंसिव है। कौन है? सोल प्रोप्राइटरशिप है एंड कैन बी फॉर्म विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी फुलफिल्ड। कंपनी इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। कंपनी एक्सपेंसिव है विथ लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। कहने का मतलब है अगर हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक बिजनेस करना चाहते हैं या हम एक सोल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अंदर जो एक ऑनर होगा वो सिंगल होगा, ऑनरशिप एक ही व्यक्ति के हाथ में होगा। सोल यानी सिंगल और प्रोप्राइटरशिप यानी ऑनरशिप। ऑनरशिप किसी एक सिंगल व्यक्ति के हाथ में होगा जो पूरे बिजनेस को रन करवाएगा, पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज़ उसके हाथ में होगी। बिजनेस से रिलेटेड जितने डिसीजन है वही व्यक्ति लेगा। बिजनेस में क्या हमें इन्वेस्ट करना है या किस जगह हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारा डिसीजन एक ही व्यक्ति के हाथ में होगा, वो जो सिंगल ऑनर है। इसके अगर मेरिट्स की बात करते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करना बहुत ही इजी है। हम कम से कम कैपिटल इन्वेस्ट करके, कम से कम पूंजी हम इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारा जो बिजनेस होगा वो ईजिली स्टार्ट हो जाएगा। हमें बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करना पड़ेगा। हमें उतनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी है क्योंकि हमने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड नहीं करवाया या अपने ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोगों को किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करना है। लेकिन अगर हम कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं तो कंपनी के कुछ क्राइटेरिया है जो हमें पूरा करने हैं। कंपनी के कुछ स्टेजेस हैं जो वन बाय वन हमने पूरा करना है। फॉर एग्जांपल प्रमोशन है, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। ये एक स्टेजेस है जो हमने पूरा करना है अगर हम एक कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं। अब वो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है उसके भी क्राइटेरिया है।
पब्लिक कंपनी को चारों स्टेजेस पूरे करने हैं और प्राइवेट कंपनी को फर्स्ट टू स्टेजेस ही पूरे करने हैं। और कंपनी जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा कॉस्टली है। क्यों है? क्योंकि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अगर हमारा पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी और प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। हमें बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा तब जा कर के हम अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। हम जिस स्टेट में अपनी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ उस स्टेट में रजिस्ट्रार के पास जा कर के, जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी है उसके पास जाकर के हमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। वो हमें जब तक अप्रूवल नहीं देगा तब तक हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये सारा कंडीशन एक कंपनी पे लागू होता है, यानी बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। फिर हमने इसमें देखा था कि हमें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं जो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बहुत इसेंशियल होता है। अगर एक भी पेपर को हम मिस कर देते हैं या एक भी डॉक्यूमेंट को हम स्किप कर देते हैं तो हमारा जो कंपनी है वो लीगली नहीं हो पाएगा। ओके, अगर हम एक भी स्टेप को छोड़ देते हैं या एक भी स्टेज को छोड़ देते हैं तो हम लीगली हम काउंट नहीं होंगे, यानी कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें रह जाएंगी जो हमें बाद में हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, हमें प्रॉब्लम का फेस करना पड़े या कंपनी को प्रॉब्लम का फेस करना पड़े। इसीलिए हम सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रिफर देंगे अगर हमारा जो पूंजी है वो कम है। एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, जो चाहता है कि मेरे पास कम से कम पूंजी है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ जाएगा। अगर एक पर्सन है बी और उसके साथ फ्रेंड हैं और वो चाहता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ मिलकर के कंपनी खोलूं, वो खोल सकता है। तो वहाँ जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होगा वो 7 लोगों के द्वारा होगा, यहाँ पे जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होगा वो केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा होगा। और एक व्यक्ति जो है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट भी करेगा और उस बिजनेस में या उस ऑर्गेनाइजेशन में कभी अगर लॉसेस भी होंगे तो वो सिंगल ऑनर ही उस चीज़ को बेयर करेगा। तो कुछ डीमेरिट्स और कुछ मेरिट्स हम लोगों ने इन दोनों ही बिजनेस में डिस्कस किया है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप इज लीस्ट एक्सपेंसिव एंड कैन बी फॉर्म विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी फुलफिल्ड। हमें बहुत ज़्यादा या कुछ भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है और इसके लिए हमें लॉट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना होगा। अगर एक भी रह गया तो हो सकता है आगे जा कर के प्रॉब्लम हो या हम कानून की नज़र में एग्जिस्ट ही नहीं करें। हाँ, अगर हम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस कानून की नज़र में नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपने स्टेजेस को फॉलो करने होते। तो हमने कंपनी में पढ़ा था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका एक लीगल एंटिटी है, ओके, जिसको एक कॉमन सील दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना पड़ेगा। अगर हम एक भी फॉर्मेलिटी को स्किप कर देते हैं तो हम आर्टिफिशियल पर्सन तो कहलाएंगे लेकिन लीगल एंटिटी नहीं हो पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें साथ में लेकर के चलने के लिए हमें हर एक फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज कैपिटल कंसिडरेशन। बिजनेस रिक्वायरिंग लेस अमाउंट ऑफ फाइनेंस, बिजनेस जो है वो लेस अमाउंट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर करता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? बिजनेस में कम से कम पैसा लगता है तो फाइनेंस जो है वो लेस लगेगा। किस में लगेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप में एंड पार्टनरशिप में भी। फॉर्म वेयर एज बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायरिंग ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रीफर कंपनी फॉर्म। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें सिंगल ऑनर होता है और उसके द्वारा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है। वो कम से कम पूंजी में भी अपने बिजनेस को स्टार्ट
कर सकता है, वो कम से कम इन्वेस्ट करके भी अपने बिजनेस को रन करवा सकता है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को हमें पूरा करना नहीं होता है या बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरा नहीं करना होता। हमने कंपनी में देखा था कि अगर हम कंपनी को स्टार्ट करते हैं देन वी हैव टू पे समथिंग, जो हमें पे करना होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसे हम रजिस्ट्रेशन फ़ी बोलते हैं, या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करने होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए पैसा लगता है। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप करते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ए है और एक बी और ओ है, ओके। ए जो है वो सिंगल है, वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप, और बी और ए हैं, दो दोस्त हैं, दोनों ने मिलकर के क्या स्टार्ट किया, पार्टनरशिप स्टार्ट किया। तो कैपिटल जब भी आएगा तो बी और ओ के द्वारा ही कैपिटल आएगा, ओके। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि हमने उतना कैपिटल देना ही देना है। मान लेते हैं कि अगर ओ के पास 50,000 है, ये 50,000 इन्वेस्ट कर सकता है। अगर बी के पास 70,000 है तो ये 70,000 इन्वेस्ट कर सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें ज़्यादा कैपिटल की भी आवश्यकता नहीं है, हम कम से कम पूंजी में भी, कम से कम पैसा इन्वेस्ट करके भी अपने बिजनेस को स्टार्ट या रन करवा सकते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या वो पार्टनरशिप हो। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के पास 1,00,000 है तो वो 1,00,000 के साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है जो वो 1,00,000 में कर सकता हो, जो सारी चीज़ें उसको 1,00,000 में अवेलेबल हो जाए। उसके पास अगर अपना घर होगा तो घर में ही एक छोटा सा दुकान खोल लेगा, जहाँ पे वो चीज़ों को अरेंज करके बिजनेस को रन करवा सकता है। तो हमने देखा कि लेस अमाउंट ऑफ फाइनेंस से हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो बिजनेस जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, वो बिजनेस जो पार्टनरशिप फॉर्म में होता है। वेयर एज बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायरिंग ह्यूज फाइनेंस रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल कंपनी, अगर हम कंपनी को खोल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी कंपनी में। अगर हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे मेंबर्स को लेकर के चलना पड़ेगा। कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उन इंटेलेक्चुअल लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जो हमारे बिजनेस को रन करवाने में हेल्प करते हैं। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो एक व्यक्ति डिसीजन ले सकता है, और एक व्यक्ति जब डिसीजन ले रहा है तो लॉसेस होगा तो वही बेयर करेगा। अगर उसका जब भी मन करेगा वो बिजनेस को बंद कर सकता है, कोई भी प्रोसीजर को फॉलोअप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम कंपनी खोलते हैं तो हमें इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स या और स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है, जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्टिव वे में रन करवाने में हमारा हेल्प करते हैं। अगर हम एक्सपर्ट से मशवरा नहीं लेंगे, हाँ अगर हम प्रोफेशनल के सजेशंस को नहीं मानेंगे तो हम कंपनी को इफ़ेक्टिव वे में रन नहीं करवा पाएंगे, ओके। तो इसमें हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है, हमें जो एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, हमने जो प्रोफेशनल्स को हायर किया होगा, हमने जो स्पेशलिस्ट के साथ मिल करके प्लानिंग किया होगा, देन वी हैव टू पे समथिंग, उन्हें तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। अगर उन्होंने हमारे कंपनी के लिए एक प्लान तैयार किया है, हमें सजेशन दिया है, हमें कुछ पॉइंट पर सजेशन दिया, देन हमें तो कुछ ना कुछ तो उन्हें पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए भी थोड़ा कॉस्टली हो जाता है कंपनी एज आई कंपेयर टू पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इन सारी चीज़ों में हमें एक्सपर्ट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक व्यक्ति के पास जितना नॉलेज है, जितना एबिलिटी है, वो उसके हिसाब से अपने बिजनेस को रन करवा सकता है। कोई कंडीशन उस पर लागू नहीं होता है, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो लार्ज भी नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज नेचर ऑफ बिजनेस। इफ द वर्क रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन, अगर काम पर्सनल अटेंशन मांगता है, सच एज टेलरिंग यूनिट्स, सलून, इट इज़ जनरली सेटअप एज सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं और पर्सनल अटेंशन देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर को एक एक करके डील करें, तो आप टेलरिंग कर सकते हो,
आप सलून खोल सकते हो। कौन से बिजनेस में आएगा वो? सोल प्रोप्राइटरशिप में आएगा। ओके ये जो है वो स्मॉल स्केल पर रन करवाते हैं हम। सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो सिंगल ऑनर होता है और वो एक एक करके हर इंडिविजुअल से इंटरैक्ट करता है। जो भी कस्टमर उसके पास आ रहा है वो उससे पर्सनली उसको अटेंड करता है, पूरा अटेंशन उस पर देता है, उसके रिक्वायरमेंट्स को और वो नीड्स को पूरा करता है। जो उस कस्टमर के द्वारा डिमांड किया जाएगा वो पर्सनली उसको अटेंड करेगा और उसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। अगर हम एक सलून की बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति सलून जाता है तो वो जो सलून का मालिक होता है, जो सलून का ऑनर होता है, वो खुद उसके बाल काटता है ना, खुद वो उसका शेविंग करता है, या उसने किसी को हायर किया होगा। तो कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं पर्सनल अटेंशन दे रहा है, वो हर एक इंडिविजुअल से इंटरैक्ट कर रहा है और इंटरैक्शन के दौरान वो हर कस्टमर को अपने बिजनेस के बारे में या अपने बारे में वो कुछ ना कुछ पॉइंट मेंशन कर रहा है जो स्मॉल स्केल पर हो सकता है। यूनिट इंगेज इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आर मोर लाइकली टू बी ऑर्गेनाइज इन कंपनी फॉर्म। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट खोलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम किसी ना किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर करें, उसका प्रोडक्शन करें, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में संभव नहीं है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें कंपनी खोलना होगा और उस कंपनी में हमें जितना भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना होगा, देन ओनली हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर पाएंगे। क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें बहुत सारे कैपिटल और रिसोर्सेज, जिसे हम रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल, फिर हमें मशीनरी का आवश्यकता पड़ेगी। ओके इन सारी चीज़ों को रन करवाने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की या ह्यूमन बींग की आवश्यकता पड़ेगी। तो कंपनी को अगर हमने मैन्युफैक्चर पर्पस से खोलना है तो हमें कैपिटल, रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, ह्यूमन बींग की आवश्यकता पड़ेगी, जो इन सारी चीज़ों के साथ मिल करके हम किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें कंपनी से बेटर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हम कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो रिटर्न होगा, हमारा जो रिवॉर्ड होगा, जिसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, वो भी ज़्यादा होगा। अगर हम ज़्यादा रिस्क लेते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा रिटर्न का चांसेस भी ज़्यादा होगा। बिजनेस में अनसर्टिनिटी लगा रहता है, बिजनेस में अनफेवरेबल कंडीशंस भी आते हैं या अनडिज़ायरेबल कंडीशन भी आते हैं, जिसे एक बिजनेसमैन टाइम टू टाइम फेस करता है। लेकिन अनडिज़ायरेबल अनफेवरेबल कंडीशन के कारण हम अगर बिजनेस करना ही छोड़ दें और हम बिजनेस की एक्टिविटी पूरा नहीं करें, तो हम सोसाइटी में लार्ज नंबर ऑफ चीज़ें तो बना ही नहीं पाएंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ चीज़ें बनाने के लिए हमें थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा और उस चीज़ को करना पड़ेगा जो जनरली बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल डिज़ायर्ड। अ पर्सन हु डिज़ायर फुल एंड एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर बिजनेस प्रिफर पार्टनरशिप रादर देन सोल प्रोप्राइटरशिप रादर देन पार्टनरशिप और कंपनी, बिकॉज कंट्रोल हैज़ टू बी शेयर्ड इन दीज केसेज। अब हम बात करते हैं कंट्रोल का। कंट्रोल बोल लीजिए या ऑथोरिटी बोल लीजिए या पावर बोल लीजिए। अगर हम चाहते हैं कि बिजनेस का पूरा कंट्रोल एक ही व्यक्ति के हाथ में हो या मेरे हाथ में हो, फॉर एग्जाम्पल एक ए है, ए चाहता है कि बिजनेस का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में हो। फुल कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? ए के हाथ में। ये कंट्रोल सोचता है, ये ए सोचता है। लेकिन अगर ए कंपनी स्टार्ट करेगा तो ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल तो नहीं होगा। अगर ए पार्टनरशिप बिजनेस करता है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कब होगा? जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा, तभी ये संभव होगा। क्योंकि कंपनी और पार्टनरशिप में एक ऑनर तो होता नहीं है,
अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो मिनिमम हमें दो लोगों की आवश्यकता होगी, देन ओनली वी कैन स्टार्ट आवर पार्टनरशिप। अगर दो लोगों से कम होंगे तो हम पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम दो लोगों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जब भी कंट्रोल होगा तो दो लोगों के पास होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बी और ओ दो फ्रेंड हैं, दोनों ने मिल करके पार्टनरशिप स्टार्ट किया, जो पावर बी के पास है वही पावर ओ के पास भी है, तो यहाँ जो कंट्रोल है वो शेयर हो रहा है। ओके, अगर हम कंपनी खोल रहे हैं तो मिनिमम हमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी? अगर हम पब्लिक कंपनी 7 और प्राइवेट कंपनी में 2 लोगों की आवश्यकता होगी, तो हमारा जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं शेयर हो रहा है, हमारा जो पावर है वो कहीं ना कहीं शेयर हो रहा है। लेकिन अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो पूरा का पूरा कंट्रोल एक ही हाथ में होगा। वो जो भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन है वो ले सकता है, बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको जो भी सूटेबल लगेगा, जो भी ठीक लगेगा, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और बिजनेस के हिसाब से वो डिसीजन ले सकता है। तो कंट्रोल जो है वो एक के पास, अगर हमें चाहिए तो हमें कौन सा बिजनेस करना होगा? हमें करना होगा पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। देन अगर हम चाहते हैं कि कंपनी और पार्टनरशिप खोले, तो यहाँ पे जो कंट्रोल होगा, जो पावर होगा, वो कहीं ना कहीं शेयर होगा। नेक्स्ट, लायबिलिटी और डिग्री ऑफ रिस्क। प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट वेरी रिस्की कैन बी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ओके और पार्टनरशिप, वेयर एज द रिस्की वेंचर शुड बी डन इन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड। अगर हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और हम ज़्यादा लायबिलिटी बेयर करना नहीं चाहते हैं तो कंपनी बेस्ट होगा। क्यों होगा कंपनी बेस्ट? जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उनका एज पर द कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे लायबिलिटी उतना ही बनेगा। लेकिन अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को देखते हैं तो अगर हमने जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है उतना तो लायबिलिटी बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा भी बेयर करना पड़े तो हमें करना पड़ेगा अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, दोनों के ही अंदर हमें एक्सेस लायबिलिटी को बेयर करना पड़ सकता है। बिकॉज अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो सिंगल ऑनर होगा, पार्टनरशिप की बात करें तो दो पार्टनर हैं, दो ऑनर हैं, तो जो भी लायबिलिटी होगा दोनों के द्वारा, क्योंकि जब भी प्रॉफिट होगा तो एक ही व्यक्ति या दो व्यक्ति के बीच में शेयर होगा। अगर प्रॉफिट आप पूरा ले रहे हो तो लायबिलिटी भी आपको उसी हिसाब से शेयर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जिसमें हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट ऑफ लीव इन प्रोस्पेक्टस डिस्कस किया। देन हम लोगों ने डिस्कस किया पॉइंट्स, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए, कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल कंसिडरेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड एंड लायबिलिटी और डिग्री ऑफ रिस्क। थैंक यू।